गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पुलाव। तो पुलाव बनाने के लिए जो जो हमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें चाहिए होती है वो है आलू, फूल गोभी, मटर, एक टमाटर, 4 से 7 लहसुन की कलियां, हरी मिर्ची और यह है प्याज। चलिए आपको और आगे दिखाते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो तैयार हो चुका है, गर्म हो गया है एकदम। अब हम उसमें अपने ये खड़े मसाले डालेंगे, जो साबुत गर्म मसाले हैं उन्हें ऐड करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं जो हमारे साबुत मसाले हैं वो अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अच्छी तरीके से भुनने के बाद हम उनमें लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे, जो हमने लहसुन काटा था, और इन्हें भी अच्छे से भून जाने देंगे। ताकि जो भी हमारा मसाला साइड में लगा होगा ना वो सब सेट हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो गाइस, हमारा जो लहसुन है वो भून चुका है। अब हम अपनी प्याज ऐड करेंगे, जो हमारी प्याज थी वो भी ऐड कर देंगे हम। तो गाइस, प्याज मैंने ऐड कर ली है अच्छे से। अब हम इसे चला देंगे और इन्हें भी अच्छे से ब्राउन होने देंगे प्याज को। गाइस, हम अपनी प्याज में ही जो हमारी मटर है, हम अपनी मटर को भी प्याज में ही ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए, क्योंकि मटर से कच्ची रह जाती है ना, इसलिए हम इसे प्याज में ही ऐड कर देंगे। तो गाइस, हमारी जो मटर है वो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भून चुकी है, और अब हम अपनी हरी मिर्ची है उन्हें इसमें ऐड कर लेंगे और इन्हें भी 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मिक्स करके, ताकि ये भी अच्छी तरीके से भून जाए। क्योंकि कई बार ऐसा रह जाता है ना कि हमारी मटर नहीं पकती है, बाद में हमें पता चलता है सामने में खाने में कि अब जल्दी पकती है, तो ऐसे बनाएंगे तो आपकी मटर जरूर पक जाएगी। तो गाइस, अब अपने टमाटर भी हम इसी में ऐड कर देंगे, जो हमने टमाटर डाला था और मिक्स कर देंगे। टमाटर को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो गाइस, अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से भून चुका है, उसे अच्छे से ऐसे और भून लेंगे दबा दबा के। अब मैंने मसाले लिए हैं, 1 चम्मच लाल मिर्ची है, 2 चम्मच नमक है, धनिया है ये 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच हमारी हल्दी है। ये सब हम इसी में ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छे से चला लेंगे। तो गाइस, हम मसाले में पानी बाद में डालेंगे, पहले हम अपने आलू ऐड कर देंगे इसमें और इन्हें भी मिक्स कर देंगे मसाले में, ताकि मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब मैं अपनी गोभी जो मैंने अच्छे से धो ली थी उन्हें भी इसमें ऐड कर दूंगी और इन्हें भी मिक्स कर दूंगी। इन्हें 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे ही ये अच्छे तरीके से मसाले में भून जाएंगे तो गोभी का जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा, फिर हम पानी डालेंगे। तो गाइस, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम अपने चावल हैं ये इसी में ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गाइस, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। हम इसमें और पानी डालेंगे पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो गाइस, हमने पानी डाल दिया है, अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे अच्छे से और 2 सीटी आने का वेट करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बनके तैयार हो गए हमारे पुलाव, एकदम बहुत अच्छे बने हैं, देख लीजिए आप, देख सकते हैं।
कलर भी एकदम बढ़िया है, परफेक्ट। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इनको। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पुलाव कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, कितने टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करें।